हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल एसके एक्सेल ट्रिक पे। दोस्तों, आज का जो एक्सेल ट्रिक है वो है डेट और टाइम फॉर्मूला के बारे में। आज मैं आपको एक एक कंसेप्ट जो है डेट और टाइम के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जब आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको डेटा मिल जाता है, डेट और टाइम से रिलेटेड कोई भी डेटा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हम उस डेटा को एनालाइज कैसे करें। तो उसी पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है एक्सेल डेट एंड टाइम फॉर्मूला। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं टाइम के बारे में और डेट के बारे में कि क्या हम फॉर्मूला के अंदर एड करेंगे और वह क्या शो कर दिखाएगा। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टाइम है और उसके कलम बटन में जो दिया गया है एच है, कहीं एच एच है, एम एम है, एच एच है, एम एम और एस एस, और नीचे आप देखेंगे तो डी डी वाई वाई एम एम इस तरह से दिया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे समझेंगे, इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका अर्थ क्या आएगा, इससे क्या निकलकर रिजल्ट आएगा, चलिए तो मैं आपको बताता हूं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा इसके बारे में आप अधूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं टेक्स फॉर्मूला यानी कि टाइम एज के बारे में। यहां पे आते हैं शीट वन पे। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी मैंने जो है यहां पे डेट और टाइम दे रखा हुआ जैसे ऑफिस में होता है, और मैंने जो भी कंसेप्ट है वो मैंने यहां पे जो है हाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए मैं इसे अनहाइड कर लेता हूं। तो सबसे पहला कंसेप्ट कह रहा है मेरा कि इक्वल टू है, टेक्स है, टाइम है, कोमा डबल कोट है, उसके बाद एच है, इससे क्या निकल कर आएगा। तो इससे क्या निकल के आएगा कि आवर निकल के आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं इक्वल का साइन देता हूं और टीईएक्सटी टेक्स लिखता हूं। उसके बाद ये जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कोमा। यहां पे देखिए कंसेप्ट क्या है, यहां पे देखिए सिंटेक्स क्या बोल रहा है, कोमा दिया, उसके बाद में फॉर्मेट, उसके बाद में टेक्स्ट है ना, फॉर्मेट टेक्स्ट है। तो फॉर्मेट टेक्स्ट में आप क्या देना चाहते हैं, तो फॉर्मेट टेक्स्ट जो है एच है यानी कि आवर है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो वह आवर शो कर दिखा देगा। दूसरा जो फॉर्मूला है इक्वल का साइन है, उसके बाद टीई एक्स टी, जैसे टेक्स्ट लिखेंगे टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये फॉर्मूला शो कर दिखा देता है। उसके बाद में नीचे उसका सिंटेक्स दिखाना शुरू कर देता है। तो दूसरा जो है एच एच है और एम एम है, तो इससे क्या दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं इस सेलेंस को ले लेता हूं, कोमा डबल कोट देता हूं, उसके बाद एच एच डबल सॉरी कॉलम बटन, उसके बाद एम एम डबल कोट से इसे बंद कर क्लोज करता हूं ब्रैकेट और एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां पे देखिए आवर और मिनट यानी कि एच एच और एम एम का मतलब होता है कि आवर और मिनट दिखाएगा। उसके बाद आता है एच एच एम एम एस एस। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन देते हैं और यहां पे लिखते हैं टेक्स, उसके बाद में नीचे यहां पे सेंटेंस देगा। तो ये जो सेल रेंज है इस सेल रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, अगेन डबल कोट देंगे, उसके बाद एच एच कलम बटन, एम एम कलम बटन, एस एस डबल कोट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या दिखाया, आवर मिनट और सेकेंड दिखा दिया। अब आते हैं, बारी आता है आपका टेक्स यानी कि डेट का। तो डेट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे एक एक ऐसे ऐसे ट्रिक भी हैं। ये तो सिंपल है, आगे हम इसके बारे में और भी बताएंगे। और एसटी के बारे में अगर आपको मैं बता दूं कि ए एसटी कैसे निकलता है, एवरेज एंडिंग टाइम, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना रखा हूं और अभी 5 टेक्निक से बना रखा हूं, 5 ट्रिक्स है उसके एसटी निकालने का। उसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और उसका जो है आई बटन भी दे दूंगा, तो वहां पर क्लिक करके आप ए एस टी निकालना सीख जाएंगे कि आखिर ए एस टी कैसे निकलता है, एवरेज हैंडिंग टाइम। तो चलिए अब आते हैं डेट की तरफ। तो यहां पे इक्वल का साइन दीजिए, उसके बाद यहां पे लिखिए टीई एक्स टी टेक्स, ये जो सेल रेंज है इस सेल रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा। यहां पर देखिए क्या दे रहा है, 4 टाइम एम दिख रहा है, तो 4 टाइम एम लिख रहा है, तो हम यहाँ पे डबल कोट देंगे 1 2 3 4, उसके बाद डबल कोट से क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, यानी कि मंथ का नाम दिखा दिया यानी कि टोटल नेम दिखा दिया, यानी कि जो करेक्टर है, जो लेटर है, वो टोटल लेटर को यहाँ पे दिखाता है, ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर। अगर वहां पे सितंबर होता, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे
9 कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। जैसे मैं 9 एंटर प्रेस किया तो यहां पे देखिए सितंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 टाइम एम अगर हम डबल कोट के अंदर देते हैं तो पूरा जो टेक्स्ट है मंथ का वह शो कर दिखाएगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट 4 टाइम डी का, तो हम यहां पे लिखते हैं इक्वल का साइन और टेक्स्ट सेल रेंज कोमा, उसके बाद डबल कोट 4 टाइम हम डीडी प्रेस करेंगे डबल कोट और ब्रैकेट एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पे क्या दिखाएगा, संडे दिखाएगा, यानी कि जो वीक डे का जो नाम है वह टोटल कैरेक्टर में दिखा देगा। समझ गए कंसेप्ट, यहां पे किसी को डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आते हैं, इक्वल का साइन देते हैं और टेक्स ये ब्रैकेट कोमा, उसके बाद आता है वाई वाई का, तो यहां पे हम क्या करेंगे वाई, यहां पे डबल कोट देंगे उसके बाद वाई वाई, और यहां पे देखिए 3 टाइम है तो यहां पे डबल कोट और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे ईयर दिखा देगा कि क्या ईयर चल रहा है, तो 2024 चल रहा है। उसके बाद आता है आपका एम एम का, तो यहां पे इक्वल का साइन दीजिए टीईएक्सटी टेक्स लिखिए, उसके बाद ये सेल रेंज कोमा, उसके बाद डबल कोट एम एम ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए डबल कोट देकर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो कौन सा मंथ है, तो 9 मंथ है, यहां पे देखिए 9 मंथ है। अगर मैं यहां पे 10 करूंगा तो यहां पे जो है वो 10 शो कर दिखा देगा। उसके बाद आता है आपका 3 टाइम डीडी, तो यहां पे लिखिए टीईएक्सटी टेक्स ये सेल रेंज, उसके बाद आप यहां पे सेल रेंज दे दिए कोमा डबल कोट, अब यहां पे देखिए 3 टाइम डीडी है तो यहां पे 3 टाइम डीडी दीजिए डबल कोट क्लोज और एंटर, तो यहां पे देखिए वीक डे का जो 3 जो लेटर है वह शो कर दिखा देगा। यहां पे अब आते हैं टीईएक्सटी टेक्स, उसके बाद ये जो सेल रेंज है इस सेल रेंज को ले लीजिए, उसके बाद आता है वाई वाई का डबल कोट दीजिए वाई वाई डबल कोट और ब्रैकेट एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहां पे 24 शो करके देखा, यानी कि ईयर जो है 24 चल रहा है। उसके बाद आता है टीईएक्सटी टेक्स का, ये जो सेल रेंज है इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आता है 3 टाइम एमएम का, तो डबल कोट 1 2 3 डबल कोट क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे मैंने 3 टाइम एमएम किया तो वह क्या कर दिया, मंथ का जो 3 लेटर है वह शो कर दिखा दिया। उसके बाद आता है सॉरी, यहां पे इक्वल का साइन दीजिए और यहां पे टेक्स्ट दीजिए, ये जो सेल रेंज है इस सेल रेंज को ले लीजिए कोमा, उसके बाद आता है आपका वाई वाई हो गया, अब हमें देना है डबल कोट दीजिए वाई वाई और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, सॉरी यहां पे 3 2 टाइम यहां पे वाई वाई का आ गया है, यहां पे हमें वाई वाई नहीं, यहां पे जो है आपका एक यहां पे एम एम है तो यहां पे एम एम कर दीजिए 3 टाइम और माइनस दे दीजिए, तो यहां पे आपके क्या आ जाएगा, मंथ और ईयर आ जाएगा, यानी कि दोनों आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इक्वल का साइन दीजिए टेक्स, ये जो सेल रेंज है इसको ले लीजिए कोमा डबल कोट डी डी माइनस एम 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 माइनस वाई वाई, तो इसे क्या आएगा, डे मंथ और ईयर आ जाएगा। अब आपको कंसेप्ट अगर क्लियर ना हुआ हो तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, होप आपको ये सारे जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा और ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और ये जो ट्रिक है आपको पसंद आया होगा, होप आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।